दोस्तों, हम लड़कियों को लाइफ में कभी ना कभी पीरियड क्रैम्प का सामना करना पड़ता है, किसी को ज्यादा या किसी को कम। इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ ऐसे कुछ प्रूवन टिप्स शेयर करूंगी, जिसको आप अगर फॉलो करते हो तो इस दर्द से आपको बहुत हद तक राहत मिल सकता है। और दोस्तों, पर्सनली मैं भी ये सारे टिप्स फॉलो करती हूँ। नंबर वन, दोस्तों इस टाइम पे हम हीटेड पैच या हॉट वाटर बॉटल यूज कर सकते हैं। ये यूज करने से दोस्तों हमारे एब्डोमेन के मसल्स को आराम मिलता है। और दोस्तों, ये मसल्स ही है पीरियड क्रैम्प का रीजन। अगर इन मसल्स को आराम मिलेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पीरियड क्रैम्प कम होगा। और दोस्तों, हीट हमारे एब्डोमेन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिस वजह से ऑटोमेटिकली दर्द कम होता है। दोस्तों, आपके पास अगर हीटेड पैच या हॉट वाटर बॉटल नहीं है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी एक छोटा सा सॉल्यूशन है। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा पानी गर्म कर लेना है, उस पानी में क्लॉथ का थोड़ा सा टुकड़ा को डुबा देना है, इससे ऑटोमेटिकली क्लॉथ हॉट हो जाएगा। और दोस्तों, उस हॉट क्लॉथ से भी हम अपने एब्डोमेन को हीट दे सकते हैं। नंबर टू, दोस्तों एसेंशियल ऑयल से भी पेट को मसाज करने से पीरियड क्रैम्प कम होता है। इसके लिए दोस्तों हम लेवेंडर ऑयल ले सकते हैं। दोस्तों, लेवेंडर ऑयल को कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करना पड़ेगा। इसके बाद थोड़ा सा ऑयल लेके हाथों में अच्छे से रब कर लेना है। इसके बाद दोस्तों जेंटली हम मसाज कर सकते हैं। दोस्तों, आप अगर लेवेंडर ऑयल नहीं खरीदना चाहते तो सिंपली आप कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल ले सकते हैं। दोनों इक्वली वर्क करेगा पीरियड पेन को कम करने में। नंबर थ्री, दोस्तों इस टाइम पे हमें फैटी फूड, कैफीन या सोल्टी फूड नहीं खाना चाहिए। ये सारे फूड दोस्तों पीरियड क्रैम्प को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। नंबर फोर, दोस्तों इस टाइम पे हमें जिंजर टी या सिनेमन टी पीना चाहिए। ये हर पीरियड क्रैम्प को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नंबर फाइव, दोस्तों योगा बहुत ज्यादा हेल्प करता है पीरियड क्रैम्प कम करने में। बट दोस्तों, इस टाइम पे योगा करने का कुछ रूल्स है जिसे हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। इन रूल्स को अगर फॉलो ना किया जाए तो हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक अलग सा सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर सिक्स, दोस्तों अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट इस टाइम पे डिहाइड्रेट रहने से भी पीरियड क्रैम्प ज्यादा होता है। इसलिए दोस्तों इस टाइम पे हाइड्रेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर सेवन, दोस्तों एक्यूप्रेशर थेरेपी पीरियड पेन को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। दोस्तों, ये सारे टिप्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है पीरियड क्रैम्प को कम करने में। 2 या 3 मंथ ये टिप्स को फॉलो करने के बाद आपको बहुत हद तक पीरियड क्रैम्प से छुटकारा मिल जाएगा। बट आपके ऊपर ये रेमेडीज अगर वर्क नहीं करता है, आपको थोड़ा सा भी रिजल्ट नहीं मिलता है, तब आपको डॉक्टर का हेल्प लेने का जरूरत है। इन सब में आप और टाइम वेस्ट मत करो, डॉक्टर ही आपका हेल्प कर सकता है। तो प्लीज आप लोग डॉक्टर से चेकअप जरूर करा लेना। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस टाइप के हेल्प वीडियो के लिए चैनल को प्लीज सपोर्ट कर सारा कराए सारा सारा कप व्हाटएवर।